भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह आजकल सुर्खियों में है। सुर्खियों में वो न्यूज़ चैनलों के इसलिए है क्योंकि आजकल वो जो काम कर रहे हैं ये सभी कारण उन्हें सुर्खियों में लेकर आते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या किया पवन सिंह ने। एक्चुअली पिछले दिनों पवन सिंह पर एक गाना आया था जिसे दो नेपाली लड़कों ने गाया था। गाने के बोल थे, पवनवा की बेटी सपनवा में आती है। ये इतने विवादास्पद और अश्लील थे कि पवन सिंह ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इसकी जानकारी अपने टीम को कहा जल्द से जल्द दें। जैसे ही टीम वाले इसकी इन्फॉर्मेशन में जुटे, उन्हें पता चला ये दो नेपाली लड़के हैं जिन्होंने ये सारा कारनामा किया है। पवन सिंह को जैसे ही पता चला, पवन सिंह तुरंत नेपाल पुलिस के साथ टच में आए और उन्होंने इन लड़कों पर तुरंत एक्शन लेने को कहा। जैसे ही नेपाल पुलिस ने एक्शन लिया, आपको बता दें कि ये दोनों लड़कों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में लाया गया और जैसे ही इन्हें पुलिस स्टेशन में लाकर पवन सिंह के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई, ये लड़के इतने बुरी तरह से डर गए कि पवन सिंह के कुछ भी बोलने से पहले ही वो उनसे माफ़ी मांगने लगे। पवन सिंह ने उन्हें ये कहकर छोड़ दिया कि भोजपुरी इंडस्ट्री के किसी भी कलाकार के साथ वो ऐसा सलूक ना करे, उन पर इस तरह के गाने लेकर ना आए। फिर उसके बाद पवन ने उन्हें ये भी कहा कि अगर आगे बढ़ना है तो इस तरह के गाने गाकर नहीं, अच्छे गाने गाकर आगे बढ़ो। उनमें से एक लड़का तो पवन के सामने उठक बैठक तक करने लगा। पवन ने ये कहा कि इस बार वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगा। तुरंत फिर पुलिस को पवन सिंह ने ये कहा कि इन्हें वार्निंग देकर छोड़ दीजिए, आइंदा अगर ये कुछ ऐसा करते हैं तो इन पर कड़ी कार्रवाई ज़रूर होगी। लड़कों ने ये वादा किया कि आइंदा वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ये सारी बातें जैसे ही पता चली, ये तुरंत न्यूज़ चैनलों की सुर्खियां बन गईं। आप क्या कहेंगे इस बारे में, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।